Hello class, our today's topic is drawing of lamp. तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम लैम्प के डिज़ाइन को आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम लैम्प के अंदर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे लैम्प। इसके लिए पहले हम एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो टेबल लैम्प होती है सबके घर में, तो हम उसमें किस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आज आपको वही एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्रीन 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। अब इसको हम यहाँ पर सेंटर में हमने इसका हाफ सर्किल ड्रॉ किया है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम बेस बनाएंगे, बेस के लिए सॉरी स्टैंड बनाएंगे यहाँ पर। स्टैंड के लिए हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नीचे बॉटम में। जितना इस साइड पे डिस्टेंस लिया है उतना ही हम दूसरी साइड पे भी डिस्टेंस लेंगे। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम इरेज कर देंगे, और यहाँ पर जो हमने हाफ सर्कल ड्रॉ किया है इसके अंदर हम एक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ जो हाफ सर्कल है इसके अंदर हम ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले हम एक सेंटर में सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम किधर भी एक इसके लिए हम कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे सर्किल, ट्रायंगल, कर्व्ड लाइन, इनको हम एडजस्ट करके डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आपने देखा ये सर्कल ड्रॉ किया है हमने। अभी ऐसे ही हम यहाँ पर एक हाफ सर्कल और ड्रॉ करेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगा इस वाले सर्कल को। अभी यहाँ पर हम
एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, स्केलन ट्राइंगल। यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक फिश का शेप भी दे रहे हैं हम अंदर सेंटर में। हम अंदर की साइड में फिश लिया है, अभी यहाँ पर फिश लिया है, कुछ एक लीफ लेंगे, ये लीफ लिया है, एक फिश ड्रॉ किया है हमने। अभी यहाँ पर हम एक स्क्वायर और ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल हम कुछ भी ले सकते हैं। अब जो एम्प्टी प्लेस रह गई है वहाँ पर हम टू कर्व्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे जो हमारी जो प्लेस है वो इससे जो हमारी बाकी की जो प्लेस रखी थी ब्लैंक वो कवर अप हो गई है डिज़ाइन में। तो हम लास्ट में कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर भी हमारी ब्लैंक प्लेस रह जाती है उसको हम इसके थ्रू कवर अप करते थे। जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ हमारी ये ब्लैंक प्लेस थी और ये थी, इसको हमने कर्व लाइन के थ्रू कवर अप कर दिया है। तो ऐसे ही आपको ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को यूज़ करके टेबल लैंप बनाना है और उसमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन यूज़ करना है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ड्रॉ करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसको बनाना है। जैसे हमने आपने यहाँ पर बनाया, ऐसे ही आप एक टेबल लैम्प ड्रॉ करेंगे और उसमें कलरिंग करेंगे, जैसे ज्योमेट्रिकल शेप डिज़ाइन के अंदर कलरिंग करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय बाय।